नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए नर्सरी से लेकर आठवीं तक की कक्षा को पटना में बंद कर दिया गया था। तमाम स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसको आज से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ चुके हैं और ऐसे में पटना के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अब 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी दी है कि पटना जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को कक्षा नर्सरी से आठवीं तक बंद करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया है। DM ने सभी स्कूल संचालकों, प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि स्कूल में आठवीं तक कक्षाओं को संचालित नहीं करेंगे। ठंड में बच्चे बीमार हो सकते हैं, ऐसे में DM ने बताया है कि शीतलहर जैसी स्थिति है, इसलिए आठवीं तक की कक्षा बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश के अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जो स्कूल आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं को स्कूल प्रबंधक अपने मुताबिक संचालित करेंगे। उसके बाद ठंड को लेकर DM ने इससे पहले 28 से 31 दिसंबर 2022 तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा इससे पहले भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा था कि सभी जिलों के DM के नाम पत्र भी लिखा था, जिसमें ठंड को देखते हुए आगामी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बिहार में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर एक अहम फैसला लिया था, जिसके बाद अब पटना के DM ने ठंड को देखते हुए तमाम स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दे दिया है। तो वही आपको बताएं कि ठंड की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते ठंड बढ़ने की वजह से बच्चों पर इसका खराब असर हो सकता है। उनकी तबीयत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिसको देखते हुए पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये पूरी जानकारी दी है। उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो तमाम स्कूल है वो आगामी 7 जनवरी तक बंद रहेंगे और इसके बाद जो है स्कूल खुलेंगे, लेकिन अगर ठंड की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती है तो ऐसे में स्कूल बंद आगे भी हो सकते हैं, ऐसे में आसार दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। ठंड की मार बच्चों पर ना पड़े, इसको लेकर DM ने निर्देश दिए हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। वहीं आपको बता दें कि बिहार के तमाम ऐसे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं जिन्हें भी बंद किया गया है, और तमाम ज़िलों में अभी स्कूल बंद है, और ऐसे में आज से खुलने वाले थे स्कूल, लेकिन फिर अब आगे डेट बढ़ा दी गई है। अब 7 जनवरी के बाद ही स्कूल खुलने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन ठंड अगर आगे बढ़ता है तो इस पर भी कोई अहम कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।